खुदा बाप बेटे रलकदस के नाम से आमिन रेवरेंट फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप तमाम अज़ीज़ ममिन को मसी यसु में सलाम मर्ज है खुदा यसु मसीह का फजल इतमान और उसकी तसली आप सबके साथ रहे मेरे मेरेजीज़ो जिस तरह के उनतीस तारीख का जो पहला हिस्सा है कलाम की संगत का उसमें हमने स्टडी की थी ग्रंथियों के नाम पलूस रसूल के पहले ख़त में से चौथे बाब की छठी आयत से पंद्रह आयत को उसी का ही हिस, दूसरा हिस्सा जो अनजील मुक़दस का है उसमें हम अंजील मुक़दस बाप मुताबक लुक का, उसका छठा बाब उसकी पहली आय से पांचवीं आय तक सुनते हैं और इसके तलावत के बाद इस पर ध्यानो ज्ञान करेंगे अंजील मुकदस लूका के मुताबिक ए खुदांदीत हो उसका छठा बाब पहली आय से पांचवी आय तक फिर दूसरे पहले सब्बत को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालियां तोड़कर और हाथों से मलकर खाने लगे तफरीसियों में से बाज उनसे कहने लगे तुम क्यों वो काम करते हो जो सब्बत को करना रवा नहीं यसु ने उनके जवाब में कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर जिनका खाना कहनों के स्वा और किसी को रवा नहीं खाई और अपने साथियों को भी दी फिर उसने उनसे कहा कि इब्न इंसान सब्बत का भी मालक है यहाँ तक आज की झील अंजील मुक़दस के वसीले से हम सब की खतएँ मुआफ़ की जाएँ एम सी तेरी साइश हो मेरे सीसों आए हम आज की जीले मुक़दस पर ध्यान व्ञान करते हैं आय पहली इसमें सब्बत का जिक्र है शब्बत के रोज़ यसु के आज़ाद करने और रिहाई बख्शने वाले सात वाक़ में से ये दूसरा वाक़ है आयात तीन से चार दाऊद ने क्या किया इस लफ्ज़ पर इन अल्फाज पर हम ध्यान ज्ञान करते हैं यसुफ्रीसीों को मसाल देकर दलील के साथ जवाब देता है जो ज़्यादा पुरज़ोर नहीं है क्योंकि दाऊद का अमल सभत को वाक़ ना हुआ था और उसका अमल ममन ख़ुराक से मुतलक था ना कि ममनवा दिन पर काम करने का इस मसाल का खास नुकता यह है कि दाऊद और यसु के शगिरदों ने कुछ ममनूा काम किया लेकिन ये फरीसियों के नुकते को तस्लीम करता है आयत पाँच इबन इंसान सब्बत का भी मालक है लुका मसीही जमातों के सब्बत के कानून की नज़रअंदाजी में यसु की हतमी दलील को पेश करता है यसु जो ख़ुदा का जाम ज़माना का मुहर्रक या याबन इंसान है ने खुदा के सब्बत और उसकी बादशाही के मिशन को अपने मतहत कर लिया है और यही ताकत उसने अपने पैरोकारों को भी सौंप दी सब्बत पर मालक और ख़ुदावंद होने का अख्तियार रहा बलाखर भत को यसु के मतहत करता है और उसे फक्त सब्बत के मतलब झगड़ों का मुनसिफ ही मकरर नहीं करता अगर सब्बत यसु के मतहत है तो फिर शरीयत भी उसके मती है एक और आलम की तफसीर पर हम ध्यान करते हैं छठे बाब की पहली और दूसरी आयत यहाँ सभ्भत के बारे में दो वाक़ हमारे सामने पेश किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि मजहबी लीडरों की बढ़ती हुई मखालफत नुक़रूज को पहुँच रही है शभत के दिन खुदामद और उसके शगिर्द खेतों में होकर जा रहे थे शागिदों ने कुछ बालियाँ तोड़ी हाथों में मलकर कर उनमें से दाने निकाले और खाए फ्रीसी इस इस बात पर तो अतराज या झगड़ा नहीं कर सकते थे कि अनाज लिया गया क्योंकि शरीयत में इसकी इजाज़त थी उनका अतराज ये था कि ये काम सब्बत के दिन किया गया था वो कहते थे कि बालियां तोड़ना फसल काटने का अमल है और उनको मल कर दाने निकालना फसल गाहने का अमल है यानी और सब्बत के रोज़ ऐसे काम करना रवा नहीं उनका ये नज़रिया था छठे बाप की तीसरी से पांचवी आयत खुदाद ने दाऊद की ज़िंदगी के एक वाकया की मिसाल दी जिससे साबित होता है कि सब्बत के बारे में हुक्म का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि ज़रूरी कामों से रोका जाए दाऊद को रद्द किया गया था उसका ताकब किया जा रहा था दाऊद और उसके साथी भूखे थे वो अपने साथियों समेत खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर खाई आम हालात में ये रोटियां सिर्फ़ काहिनों के लिए मखसूस होती थी मगर दाऊद के मामला में खुदा ने एक तस्निया शरा या गैर मामूली बात की इसाई में गुना था भाषा को रद्द किया जा रहा था नज़र की रोटियों के बारे में हुक्म का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि गलामाना अंदाज में इसकी पाबंदी की जाए जबकि बादशाह भूख से मर जाए यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल थी मसीह और उसके शगिर्द भूखे थे फ्रिसी चाहते थे कि वो सब्बत के दिन बालियाँ ना तोड़ें बल्कि भूखे ही रहें लेकिन इब्ने आदम सब्बत का मालक है अव्वल तो शरीयत उसी ने दी थी और शरीयत की शर और तफसीर करने के लिए ख़ुद उससे बढ़कर कौन अहल हो सकता है वही उसके हकीकी रूहानी महफूम को खोल सकता और हर किस्म की गलत फहमी से बचा सकता है सो मेरे हजीज़ों इस दोनों तलावतों का जिसको पहली तलावत जो हमने पार्ट वन में पलूस रसूल का पहला खत ग्रंथी की कलिसिया के नाम चौथा बाप पांचवी छठी आयत से पंद्रह आयत और लूका की अंजील भा मुताबिक छठा बाप पहली आयत से पांचवी आयत इन दोनों तलावतों का जो खलासा है कुछ इस तरह है कि क्रंथस की कलिसिया का रूहानी बाप होते हुए मक़दस पालूस बड़ी आजसी और हलीमी से अपनी इस कलीसिया को ईमान में मतहद और मज़बूत रहने की तलकिन करता है वो अपनी मसाल ख़ुद पेश करता है कि हम मसीह की खातर अहमक कमज़ोर बेइज़्ज़त भूखे प्यासे आवारा ए जाते बदनाम किए जाते और कम तर गिने जाते हैं आज की अंजीले मुकदस में मुकदस लूका बड़े इख्तसार और सादगी से बयान करता है कि यसु अपने सब शगिरदों के साथ सा, खेतों में से होकर जा रहा था और उसके शगिर्द बालियां तोड़कर हाथों से मिलकर खाने लगे अजीज सामीन मोमरीन ये मोमन भी वाकत के दिन होने वाले वाक़ में से एक है यहूदी और फ्रीसी सभत के दिन के कवानीन पर सख्त और गैर लचकदार रवैया रखते थे बाज़ फ्ररीसी इन सख्त और गैर लचकदार कवानी का सहारा लेकर यस्सू के शगर्दों पर अतराज़ करते हैं अक्सर अक्सरकात हम भी जिंदगी को तबाह करने वाले सख्त फरसुदा और गैर लचकदार कवानी को जिंदगी बख्श कवानीन और कल्चर पर फोकियत देते हैं आए हम भी जिंदगी बख्श कवानीन और कल्चर को फ़र्व दें खुदा में खुदा हम सबको बरकत दे अपना फ़जल बख्शे और पाक रु की रोशनी अता फरमाए ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी के वारस बन सकें खुदा खुदा हम सबको बरकत दे आमीन आए हम दुआ करें कदूस 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 खुदा खुदा आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक तू जो था जो है और जो आने वाला है तो अलफार्मेगा इब्तदार और इंतहा है खुदा खुदा तू हमारी अमीत है तू हमारी कुमक है खुशी हो गम हो हमेशा तुझी को याद करते हैं तुझी से मांगते हैं और पा लेते हैं ऐ ख़ुदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि खुदा खुदा हम तेरे कलाम पर ध्यान व कर सकें ऐ खुदा खुदा आज का कलाम हम सब की ज़िंदियों में सौ गुना फालदार साबित हो और हम खुदा खुदा तेरे कलाम को समझ सकें और तेरे कवानीन पर अमल कर सकें और हमेशा की जिंदगी के वारस बने ऐदा खुदा तेरे दूर दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा हुआ है ऐदा खुदा उनको और उनके ख़ानदान को अपनी बरकत और फजाइल से माला माल कर बेरोजगारों को रोजगार रहता फरमा ताकि वो अच्छा रोज़गार हासिल करके अपने ख़ानदान और अपने वालदान अपनेज़ोक की बच्चों की कफालत कर सकें ए खुदा खुदा तेरी बरकत सब के खानदानों के लिए चाहता हूँ जो तेरे कलाम को सुनते हैं और इस अमल पर इस पर अमल करते हैं ऐदा खुदा उनकी रोज़ी रिस्क में इजाफा फरमा ताकि हकलाल लाल की रोज़ी कमा कर अपने बच्चों की परवरिश तेरे कलाम के मुताबिक कर सके और उनके ज़रिए और उनके बच्चों के ज़रिए तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे मिले ए खुदा खुदा हमें भी अकल दनाई फहम बख्श दे सुलेमान जैसी अकल बख्श दे ताकि तेरे कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें और समझ कर तेरे सच्चे मोतियों को तेरे लोगों में बाँट सकें ऐ खुदा खुदा हम सब के साथ हो हमारे बिशप प्रकाश योहन्ना साहब के साथ हो और वीकर जनरल फादर आज़ाद नैर के साथ हो तमाम फादर साहबान के साथ हो डीकन साहबान के साथ हो ए खुदा खुदा सब को अपने पाक रोल रुद मसा से नवाज ताकि सब तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदा खुदा तेरे कलाम के को मुश्तहर करें तेरे कलाम के फलों को तमाम कलीसिया में बांट सकें और खुदा खुदा तेरे हजूर अपनी कलीसिया के लिए भी दुआू हूँ खुदा खुदा जो तेरे लोगों को तेरे कलाम के वसीले से तेरे नाम से कबूल करते हैं खुदा खुदा उनके ख़ानदानों को बरकत दे उन उस कलीसिया को प्यार महबत में बांध दे ताकि आपस में प्यार महबत में रहें एक दूसरे के साथ नफ़रत को ज़रूरत ना रखें और बिला तसब खुदा खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और जब भी जहाँ भी हम दुआ रखते हैं तो सब इकट्ठे हों और तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरे नाम की प्रस्तश के लिए खुदा व खुदा इकट्ठे होते रहें उनमें प्यार मोहब्बत जीगानगत पैदा कर अपने कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फरमा ताकि रोज़गार हासिल करके अपने ख़ानदान की कफालत अच्छे तरीके से कर सकें ऐदा व खुदा जिस तरह तूने गुजरे वक्तों में हमारी हिफाजत की है आने वाले वक्तों में भी हमारी हिफाजत करना अपने पाकिस्तान के मुल्क में तमाम अफवाज के लिए तमाम हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स ज़िली इंतज़ामिया तहसील इंतजामिया और तमाम मलाजमीन के लिए जो खुदा मददा तुझ पर ईमान रखते हैं तेरे नाम की जय जयकार करते हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ तमाम अजीज़ वारब के लिए रिश्तेदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा खुदा खजूजी तौर पर दुआ करता हूँ भाई रफ़ी के लिए बेटे के लिए जो कैंसर के मर्ज में मुबतला है खुदा खुदा उसकी बीमारी को दूर कर उसको सेहतियाबीता फरमा ताकि अपने ख़ानदान के लिए खुशी का सबब बने अह खुदा खुदा तमाम अजीज़ वारब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जिस तरह गुजरे वक्तों में मारी फ़ाज की इसी तरह आने वाले वक्तों में भी मार फाज कर हम सब के उठने बैठने चलने फिरने से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलान मिले ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे ही पाक और पवित्र नाम के वसीले से आमीन आए मेरे अजीज़ों हम मिलकर वही दुआ करें जो कमय ने ख़ुद हमें सिखाई है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो आमिन इस्लाम मरियम और फजल खुदा उन तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है मुबारक है तरपेट का, का फल यसु आय मकदसा मरियम खुदावन की माँ हम गुनागारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन जलाल बाब बेटरस का हो जैसा कि इब्तदा में था अब और मशा होगा आमीन खुदा आपके साथ हो आबादत हो चुकी सलाह सलामती में रहें और खुदांद की खुशखबरी को दूसरों तक फैलाएं अब हमारे खुदा का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक अफजलबाद आप सब के साथ होती रहे बाप, बेटे रूल प्रदेश के नाम से आमीन